सो वेल हे गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। और ये जो है ये नॉन रोस्टेड नकुमट का स्टॉक है। देखो ये हमारी नॉन रोस्टेड है, ठीक है। और कल के भी सारे पार्सल्स डिलीवर हो चुके हैं। और ये नॉन रोस्टेड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सब मिक्स है। मेरे पास ग्रे क्ले हैं, वाइट है, क्रीम है, येलो टेक्सचर वाले हैं। देखो ये येलो टेक्सचर वाले, ये नेचुरल ही होता है, ये कोई ग्रिटी नहीं होता और बहुत डस्टी भी नहीं है, क्रंची में है, ठीक है। ये देखो ये ग्रेइश वाइट येलो है, ये देखो वाव, ठीक है। ये देखो ये वाइट में है जिसमें पिंकिश टेक्सचर भी है। मेरे पास दोनों टेक्सचर है, बट क्या है नॉन रोस्टेड सॉफ्ट होता है ना, और बहुत बड़े बड़े चंक है, तो जिनको स्मोकी फ्लेवर नहीं पसंद है वो नॉन रोस्टेड के लिए जा सकते हैं। खाली इसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं है, अदरवाइज इसमें सब कुछ है, क्रंच भी है, अर्दीनेस भी है, सॉफ्ट भी है, ठीक है, और ग्रिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो ये अगेन वाइट है। और बहुत लोगों को लगता है कि नॉन रोस्टेड क्ले और वाइट खाड़ी सेम होता है, पर ऐसा नहीं है। नॉन रोस्टेड और वाइट खाड़ी में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। वाइट खाड़ी पूरा पाउडर पाउडर होता है और चंक देखो कितने बड़े बड़े चंक है, ठीक है। ये देखो वाव कितना सुंदर है। ये येलो टेक्सचर वाला ना बहुत अच्छा लगता है बहुत। ये देखो क्रंची होता है, ये ऐसा बटर ग्रे जैसा भी नहीं होता कि देखो क्रंच देख रहे हो आप। देखो मैंने टुकड़ा तोड़ा, कितनी अच्छी क्ले है ना। हाँ मैं बोल रही थी बटर ग्रे क्ले जैसी भी नहीं है कि आप खाओगे तो पूरा मुंह में सौगी सौगी होगा, ऐसा नहीं है। गमी नहीं होती है ये वाली जो है, स्टिकी और गमी नहीं होती है, ये क्रंची में है, ठीक है। जिनको भी ऑर्डर देना है दे सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। बहुत अर्दी है बहुत, और इसके अंदर पिंक नाकोमट मिक्स है, वो कुछ कुछ चंक पिंक के मिक्स हैं। हाँ बट प्लीज़ सेपरेटली मत मांगना, क्योंकि सेपरेटली तो मैं कहाँ से लाऊंगी, है ना। ऐसा डालते टाइम, स्टॉक भरते टाइम अचानक कुछ आ गया पिंक, तो मैं साइड में रखती हूँ, फिर कोई मांगता है तो दे देती हूँ। बट अदरवाइज ऐसे सेपरेटली पूरे बल्क में से खोल खोल के ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम है। इवन पर्पल कलर भी है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर देना है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है। देखो इसका टेक्सचर पिंक एंड पर्पल में है, दिख रहा होगा आई होप आपको, दिख रहा है ना। सो दिस इज अवर नॉन रोस्टेड नकुमट। और फैन का आवाज आ रहा है तो प्लीज अवॉइड करो यार, क्योंकि बहुत गर्मी है। देखो ये पिंक है, आई डोंट नो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, ये पिंक में है, ये ग्रेइश में है और ये वाइट है। देखो वाइट और ग्रे और ये पिंक है, ध्यान से आप लोग देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। रुको मैं इसको तोड़ने की ट्राई करती हूँ। ये देखो अब दिखेगा शायद, देखा आपको पिंक। सो इसमें नॉन रोस्टेड में सब मिक्स है मेरे पास, ये जो है ये मिक्स वाला बल्क है। ये देखो दिखा ना पिंक एंड व्हाइट का डिफरेंस दिख रहा है ना, और ये ग्रे है, ये बताती हूँ ये भी तोड़ के। और नॉन रोस्टेड हो सकता है थोड़ा बहुत टुकड़ा हो जाए, क्योंकि ना ये सॉफ्टी सॉफ्ट होती है। ये देखो इसका ग्रे कलर है, आई थिंक आपको दिखेगा। कुछ कुछ चंक ना पर्पल भी है, इवन इतना अच्छा मतलब उसका टेक्सचर और टेस्ट है ना इस क्ले का, नॉन रोस्टेड वाली का। सच में इस बार मैं नहीं थी ना, मेरे स्टॉक की भी बहुत लोगों ने तारीफ की, मेरी सर्विस की भी, तो थैंक यू वेरी मच। ये देखो ये ग्रे है, ये वाइट है, ये पिंक है। तो आप अगर 1 kg नॉन रोस्टेड लेते हो तो आपको भी इस तरह से मिक्स में आएगा, ठीक है। मैं अलग से ढूंढ के नहीं डालूंगी कि किस में कौन सा चंक जाएगा, किस में कौन सा चंक नहीं जाएगा। और ये येलो टेक्सचर वाला है, ठीक है। तो ये हमारी नॉन रोस्टेड क्ले, और इसमें क्रम्स हैं नीचे हैं। ये पूरा बैग मैंने क्लीन करके ही रखा हुआ है, इसमें मैंने पाउडर भी हटा दिया था, क्योंकि नॉन रोस्टेड में डस्ट वैसे भी बहुत होती है, बहुत
सबसे ज़्यादा पाउडर इसमें ही निकला। देखो वो जो टूट जाता है, पाउडर हो जाता है, वो भी हमारा एक तरह का लॉस ही है ना। वो कोई परचेस तो करेगा नहीं, कोई करेगा, बाय करेगा उसको, नहीं करेगा ऑफकोर्स, तो वो भी हमारा एक तरह का लॉस ही है। तो ये जो ग्रे क्ले ये सब है, ये सब ऑलरेडी है अपने पास, ठीक है। और बाकी ये देखो एज यूजुअल ब्लैक डायमंड का स्टॉक। वैसे मुझे एक चीज लग रही है कि देखो बैग चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपकी क्ले अच्छी मिलती है ना आपको, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। हो सकता है किसी के पास ऐसी बैग ना हो पर उसका स्टॉक अच्छा हो, कोई भी सेलर के पास। हाँ, सेलर का नाम लिया तो उससे मुझे कुछ चीज़ें याद आई है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये देखो इसकी भी डिमांड आ रही है। ये जो ग्रेश में वाइट डॉटेड है, ये ग्रिटी नहीं है, ये इस तरह का टेक्सचर है इसका, ठीक है। ये क्ले ग्रिटी नहीं है, इसको तोड़ना ना थोड़ा टफ है। लो यही टूट गया, ये देखो इसमें भी वाइट डॉटेड है, ऐसे ही तोड़। नॉन रस्टेड है ना, बहुत जल्दी फिर देखो ये भी टूट गया। इसी से ट्राई करती फिर, नहीं टूट रहा। वाव वाव, बहुत बिग बिग चंक है, मतलब हाथ से उठाऊं तो इतने चंक मुश्किल से आएंगे। वेरी बिग चंक। नॉन रोस्टेड में तो सबको बिग चंक जाती है, बाकी सब में आप डिमांड करते हो बिग चंक दो बिग चंक दो, जितने चंक है उसी साइज के देती हूँ ना। देखो अगेन ये अलग ही कलर है, ग्रेश में है, देखो अब समझ में आएगा। तो इसमें सारा क्ले मिक्स है। इसके साथ यहाँ पे बाजू में रखी हुई है ड्राई फ्रूट, उसका नाम ही ड्राई फ्रूट है। हाँ, तो ये हमारा ड्राई फ्रूट का क्ले है जिसमें बहुत बड़े बड़े चंक नहीं है। देखो यही ये देखो ये कॉटन है, मैं फेंक दूंगी इसको, ये कचरा होता है, ठीक है। इसमें ऐसे छोटे बड़े मिक्स होते तभी इसका नाम ड्राई फ्रूट है ना। अगर ड्राई फ्रूट में इतने बड़े बड़े चंक देने लग जाओगे तो कहेगा ड्राई फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट छोटे छोटे से ही होते हैं। और बहुत क्रंची, बहुत स्मोकी, बहुत अर्दी, जिसको क्रंची स्मोकी पसंद है वो लोग डेफिनेटली ड्राई फ्रूट को ट्राई कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि मतलब एक आध छोटा सा ऐसा कुछ चंक ग्रिटिविटी आ जाए, तो बस ध्यान से खाना और कुछ नहीं, और ज़्यादा मत खाना, पानी ज़्यादा पीना, ठीक है। बाकी सारी क्लेस की वीडियोस तो जा ही रहे हैं। कस्टमाइज पार्सल के लिए तो ओ माय गॉड, इतने ऑर्डर्स हैं, इतने ऑर्डर्स हैं, मतलब कॉस्टली है स्टिल टचवुड तो भी लोग लेना चाहते हैं। मतलब ये क्ले तो ठीक है, क्ले का प्यार तो है, लेकिन आप लोग मेरे साथ भी अटैच्ड हो रहे हो, मतलब मेरे वीडियो देखते हो तो शायद वीडियो के साथ भी आप लोगों की अटैचमेंट हो जाती है। क्ले तो देखो बहुत सेलर्स हैं मार्केट में, सेलर्स की कमी नहीं है, और अच्छी अच्छी ब्रांड भी होगी, कोई मेरे से अच्छी क्ले भी दे रहा होगा, कोई मेरे से नॉर्मल क्वालिटी भी दे रहा होगा, बट कनेक्शन आपका और मेरा है ना, मेरे कस्टमर्स का और मेरा है, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्ले की चैनल है तो ऑफ कोर्स मैं क्ले की चीज़ें ही बताऊंगी, आप लोग क्ले ही देखने आते हो, है ना। ये बहुत क्रंची वाला स्टॉक है, ड्राई फ्रूट का स्टॉक ना बहुत क्रंची, जिसको ओवर क्रंची चीज़ें पसंद है ना वो ड्राई फ्रूट को ज़रूर एक बार ले। मिनिमम ऑर्डर 1 kg से स्टार्ट होता है, और 1 kg में आप 3 type के कॉम्बो भी ले सकते हो, अलग अलग पैकिंग में मैं बना के देती हूँ, देखते ही आप लोग मेरे पार्सल्स के वीडियोस जाते हैं। बट एक दो दिन से मैं पार्सल की वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, जब से मेरे पापा का ऐसा हुआ है ना, थोड़ा सा मेरा मतलब मन करता है काम करने का, पर यू नो मतलब वो वाला खुशी से मैं पहले वाली खुशी से नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल क्ले है तो मैं थोड़ा बहुत अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ इन चीज़ों में काम करके। देखो ये एक बड़ा चंक है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट में है तो मैं इसे में रखूँगी, इसके सिवा आप लोग को डिफरेंस दिखेगा बड़े चंक का और ये छोटे चंक्स का, है ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बड़े चंक और छोटे चंक।
ड्राई फ्रूट में थोड़ा बहुत ऐसा कचरा विचरा आ सकता है क्योंकि मैंने क्लीन ही नहीं किया ये वो ये बैग को। इसको क्लीन करना टफ है क्योंकि देखो इसमें नॉन रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, फुल रोस्टेड, ब्लैक हॉल सबका मिक्स है। कुछ ऐसे ऐसे चंक है जो बिल्कुल रोस्टेड ही नहीं है, देखो जैसे ये कुछ ऐसे चंक हैं जो फुल्ली रोस्टेड है, देख रही है ये, इसमें सब मिक्स होता है ड्राई फ्रूट में। और ये मैंने नहीं बनाया, वहाँ से सेलर के पास से खुद ही आया है। तो और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब मुझे लोग सेलिंग के लिए भी पूछ रहे हैं कि मेरे जैसा ही स्टॉक चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को जो है मैं स्टॉक दे सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, बस रेट ज़्यादा होगा क्योंकि मैं कोई होलसेलर नहीं हूँ, मैं रिटेलर हूँ। यानी कि एक जगह है जहाँ से मैं ऑलरेडी स्टॉक लेती हूँ, हाँ, पर बीच में कोई भी नहीं है, डायरेक्ट मैं हूँ जहाँ से स्टॉक मैन्युफैक्चर करवा के मंगवाती हूँ। और मेरा स्टॉक इसीलिए सबको पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने खुद ये जो ऑर्डर है ना ये कस्टमाइज़ करवा के लिया था, तभी मुझे इतना महंगा भी पड़ा है, ठीक है, ऐसी हवा में नहीं महंगा पड़ा है। सो दिस इज़ माय स्टॉक एंड व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग वहाँ से मुझे ऑर्डर दे सकते हो। और हाफ रोस्टेड के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, सून हाफ रोस्टेड विल कम इन स्टॉक और डेफिनेटली वीडियोस जाएगी, ठीक है। देखो बहुत अच्छा टचवुड, बहुत अच्छा स्टॉक मिला है, भगवान की दया से मेरा स्टॉक बहुत अच्छा मिला भी था और गया भी है, और अभी थोड़े बहुत बैक और हैं और बाकी कुछ पार्सल्स हैं जो यहाँ पे पैकिंग के लिए मैंने रखे हैं जो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। देखो ये अपना नॉन रोस्टेड कितनी सुंदर लगती है ना यार क्लेस। मैं भी क्रंच करती हूँ बट ओवर लिमिट नहीं करती, आप लोग भी ओवर लिमिट मत करिए, लिमिट में क्रंच करिए। और अपने बॉडी का ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीजिए, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। ये नॉन रोस्टेड के लिए है, ये ड्राई फ्रूट है, खाली हाफ रोस्टेड नकुमट नहीं है स्टॉक में, उसके अलावा का सारा स्टॉक है। 10 क्लेज आती है टोटल मेरे पास, उसमें सारी है, और हाफ रोस्टेड भी बहुत जल्दी स्टॉक में आने वाली है। वो इस तरह का ही चंक है हाफ रोस्टेड का, इसकी स्मेल इतनी अर्दी लगती है ना, आप लोगों को जब भी पार्सल जाता है ना ज़रूर एक बार स्मेल देखना। और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है यार, रोज़ रोज़ पूछ के सर मत खाया करो, प्री पेमेंट ही होता है। मैंने जब इतना बड़ा बल्क मंगवाया तो प्री पेमेंट किया है, आप लोगों के इतने छोटे छोटे पेमेंट के लिए भी आप लोग मुझे इतना बोल देते हो कि नहीं है ये नहीं है, आपको तो रखना ही चाहिए। और मिनिमम ऑर्डर 1 kg का है, उससे नीचे का ऑर्डर नहीं है क्योंकि उसके नीचे का मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लो 250 ग्राम लो, आधा किलो लो, लेकिन शिपिंग चार्ज जो डिलीवरी का चार्ज है वो सेम ही लगता है। और बहुत लोग ना मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर सुना देते हैं, तो ठीक है आप लोगों को समझ आ गया होगा शिपिंग लगता ही है उतना, इसलिए 1 kg मिनिमम ऑर्डर है, 1/2 kg लेना है तो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका शिपिंग कॉस्ट उतना ही लगने वाला है, चार्ज उतना ही लगने वाला है। 1 kg के रेट से ही मैं 1/2 kg भी दूंगी, 1/2 kg भी दूंगी, चलेगा तो बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।